वैसे पिछले 5 वर्षों से रक्षा मंत्री के रूप में इस रक्षा मंत्रालय में मैंने अपने दायित्व का निर्वहन किया है और ये दोबारा प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की दी है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज़ थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, यह हमारी प्रायोरिटीज़ में विशेष रूप से शामिल हैं। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, यह हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और इस दिशा में एक मंजिल हम लोगों ने तय की है और आप सब लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि एक हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। हमारी सेना का मनोबल पहले भी ऊंचा रहा है और आगे भी ऊंचा बना रहे, हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न नहीं होगा, क्योंकि जिस शौर्य और पराक्रम का समय आने पर हमारी सेना ने परिचय दिया है और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है।